यही मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूके देवदर्शन पर। दोस्तों अभी हम जोशीमठ स्थित भगवान श्री नरसिंह मंदिर पहुंच गए हैं। भगवान श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ बस स्टॉप कामेट तिराहा से 3 किलोमीटर आगे श्री बद्रीनाथ धाम वाले रूट पर पड़ता है, जो जोशीमठ के अंतर्गत ही आता है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है यही भगवान श्री नरसिंह मंदिर है। भगवान श्री नरसिंह भगवान श्री विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। श्री नरसिंह मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। वह सर्दियों में श्री बद्रीनाथ स्थित गद्दी श्री नरसिंह मंदिर में ही विराजमान होती है। ये सामने नरसिंह मंदिर है और नरसिंह मंदिर चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं भगवान श्री नरसिंह मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर। मनोज व मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातातभजम वानर मुख्यम श्री राम रूतम शरणम प्रपद्ये श्री राम रूतम शरणम प्रपद्ये जय श्री राम। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी ने जब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान श्री नरसिंह का अवतार लिया था, और हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद शांत होने के लिए इसी स्थान पर आए थे और भक्त प्रह्लाद को दर्शन दिए थे। यही मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और अंदर भगवान श्री नरसिंह जी की मूर्ति विराजमान है। दोस्तों यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री नरसिंह की जो यहाँ पर स्वयंभू मूर्ति है उसकी बाईं कलाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, और जिस दिन ये कलाई अदृश्य हो जाएगी तो विष्णु प्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर स्थित जय व विजय पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, और उसके बाद भगवान श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। तब जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन स्थित श्री भविष्य बद्री मंदिर में भगवान श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। दोस्तों श्री नरसिंह मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है, इसके बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसका रेनोवेशन कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप बने रहिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।